क्या आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आप इन्वेस्टमेंट करके यानी फिक्स डिपॉजिट करवा के अप टू 8% तक का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा दें फिक्स डिपॉजिट करवाते समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो डेफिनेटली आप अप टू 8% तक का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, कौन सा वो प्लान होगा, आज की इस वीडियो में हम उसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको सीधा ही इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लेकर चलूंगा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, मैंने इंटरेस्ट रेट का जो टेबल है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले नीचे आने के बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूं, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो है जी 10/8/2024 को लेस देन 3 करोड़ के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 15 से 30 दिन, 31 से 45 दिन के लिए अगर हम बात करें तो देखिए जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 3.75%। अगर आप एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट चाहते हैं 3.75% मिलेगा। सीनियर सिटीजन पे भी 4.25% और एनुअली भी 4.25% ही मिलेगा। अगर हम मोस्ट पॉपुलर एफडी, देखिए एक साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करें, क्योंकि हम मोस्टली एक साल की फिक्स डिपॉजिट जाके बैंकों में करवा देते हैं, ठीक है जी, स्पेशल फिक्स डिपॉजिट के बारे में हमें पता नहीं होता, तो बाद में हम फिर पछताते हैं कि अगर पहले पता चल जाता तो डेफिनेटली बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल जाते। तो आप देखिए एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है जी 6.85%, जर्नल पे एनुअली जो है वो 7.03% है, उसी तरह से सीनियर सिटीजन पे 7.35%, एनुअली 7.56% है जी। बाकी दो साल के लिए आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.00% है, एनुअली 7.19% है, उसी तरह से 7.50% सीनियर सिटीजन पे और 7.71% जो है वो एनुअली सीनियर सिटीजन पे मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो शुरू में ये कहा था कि अप टू 8% तक का रिटर्न, लेकिन इस टेबल में तो 8% तक का रिटर्न कहीं भी नहीं है। तो देखिए नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल टर्म डिपॉजिट जो है वो ऑफर कर रहा है आपको 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के नाम से। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/8/2024 से 7.45% जो है वो जर्नल पे है, एनुअली अगर आप चाहते हैं 7.66% मिल जाएगा, उसी तरह से 7.95% जो है वो सीनियर सिटीजन पे होगा और एनुअली आपको 8.19% तक का मिल जाएगा। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे 444 डेज के लिए तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी, आगे मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप 444 डेज के लिए एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार देख लीजिए 7.66% और सीनियर सिटीजन पे एनुअली 8.19%। तो अब मैं आपको सीधा कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया है, मैं इस कैलकुलेटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज चेकआउट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं स्पेशल एफडी प्लान में, तो देखिए सबसे पहले 7.66% के हिसाब से 444 डेज के लिए एनुअली अगर हम कैलकुलेट करें, तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो ब्याज की राशि होगी वो कितनी होगी, 9,393 रुपए। उसी तरह से 8.19% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 10,049 रुपए जो हैं वो आपको 1 लाख के ऊपर ब्याज के रूप में मिल जाएंगे 444 डेज के लिए। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम 2.5 लाख रुपए की बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगर आप 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं स्पेशल एफडी प्लान 444 डेज में, तो आपको जो देखिए 7.66% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 23,484 रुपए। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.19% के हिसाब से, तो देखिए जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया 25,122 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो निकल के आ चुकी है जी। सो आगे हम बढ़ते हुए बात करेंगे कि अगर आप 5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते हैं, तो देखिए फ्रेंड अगर दोस्तों आप 5 लाख रुपए लगा देते हैं 7.66% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ब्याज की राशि है वो कितनी आ जाएगी, 46,968 रुपए। और अगर हम सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर 8.19% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 50,245 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है जी। आगे बढ़ते हुए हम 7.5 लाख रुपए की बात करेंगे, अगर आप 7,50,000 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते हैं सबसे पहले जर्नल पे 7.66% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा आप देखेंगे दोस्तों 70,452 रुपए की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगी 7.5 लाख के ऊपर जर्नल पे। और अगर हम बात करें 8.19% यानी सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो 7.5 लाख के ऊपर आपको 444 डेज में जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 75,368 रुपए। सो दोस्तों डेफिनेटली आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली अगर हम बात करेंगे, देखिए 10 लाख रुपए की यानी कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख रुपए लगा देते हैं बल्क में पैसा लगा देते हैं, तो सबसे पहले जर्नल पे 7.66% के हिसाब से 444 डेज के लिए आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 93,936 रुपए। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 8.19% के हिसाब से, तो आप देखेंगे दोस्तों आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 1,491 रुपए। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो डेफिनेटली 444 दिनों के बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा की ब्याज की राशि आपको मिल जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा दें और स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर लें तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।